गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी यात्रा। आप सभी का स्वागत एक फ्रेश कमाल के वीडियो में। मैं अभी हूँ अकोड़ी में। अकोड़ी पुणे शहर में ही आता है, पिंपरी चिंचवड़ के पास में। एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आज मैं ना एक से एक खाना खाने वाला हूँ, मतलब आपको एकदम लाजवाब, मुंह में पानी आ जाए ऐसा खाना दिखाने वाला, और वर्चुअल फूड टूर लेकर आया हूँ, और वो भी कल्पक भाई के साथ। कल्पक भाई को आपने देखा होगा चंद्रपुर में, मतलब मैं जब चंद्रपुर फूड सीरीज शूट कर रहा था उसमें कोलैब वीडियो था कल्पक भाई के साथ। कल्पक भाई भी पुणे में पढ़ते और कल्पक भाई का कॉलेज ही है अकोड़ी में, तो बोला चलो। चला आता अपन मिसळ पासून ट्राय करू, चालू करूया। सबसे पहले अपन खाएंगे मिसळ। हमने आलू तो खा लिए, अच्छा था मेरे हिसाब से, अच्छा था। अभी ये मिसळ खाएंगे, हम भी टेस्ट करेंगे। एक एडिशनली सजेशन आपको भी बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, इसको कड़क करवा के लो। हाँ कड़क भाई, उनको बोलो कि भाई कड़क मारो। हाँ एकदम ऐसा ऐसा हार्ड मांगता। हाँ हार्ड डिश मांगता। Let's have. मैंने इतने खाए ना पुणे में, अभी ये बाकी जगहों को बीट नहीं कर सकता, बट ये जगह के हिसाब से अच्छा है। हाँ कैसा, मतलब इसमें तीखा नहीं है ना भाई मेरे। हाँ मैंने भी बहुत जगह खाया नहीं सर, जहाँ पे खाता हूँ मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब यहाँ भी खाता हूँ, मतलब इस जगह के हिसाब से अच्छा लगा, मतलब हाँ अच्छा बहुत एकदम ऐसा डासू भी नहीं। हाँ तो मेरे को पता है एकदम एकदम बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा नहीं बोल सकते, पर एक अच्छी है टेस्ट चल जाएगा। आप लोगों ने पोहे खाए होंगे, सादे कांदे पोहे खाए होंगे, बटाटा के साथ पोहे खाए होंगे, सांभर के साथ पोहे खाए होंगे, करी पोहे खाए होंगे, आपने इतने प्रकार के कभी पोहे नहीं खाए होंगे। मैं आज आ गया हूँ आमी पोहे कर के पास। घरचे पोहे, इंदौरी पोहे, कोकनी पोहे, पोहे दही तड़का, पोहे दही, नागपुरी तर्री पोहा इज ऑल्सो अवेलेबल इन अकोड़ी। इट्स मैजिक मैन। मैंने बहुत रेयर देखा है कि कल्पक भाई से मैंने बात की थी तो कल्पक भाई बोले ये जगह पे मिल जाएंगे नागपुरी पोहे, बट अपन आहो विदर्भियन, अपने को अपना नागपुरस परवड़ते कभी पोहे खाते से, बट इनके पास यार वैरायटी बहुत है, देख लो यार एक बार। हाँ और मेरा जो मन ललचा रहा है ना वो ये पोहे पे, कहा गया रे बाबा दही पोहे कुछ गला, भेड़ पोहा। अच्छा अपन भेड़ पोहा ट्राई करना, भेड़ पोहा और दही पोहे भी बहुत अच्छे है ऐसा सुना है पहले, बट अपन भेड़ पोहा ट्राई कर रहे हैं। नाइस, यूनिक है कुछ। प्याज, टमाटर, फरसान, सेव और पोहे, और ऊपर से मीठी चटनी डाली है। मीठी चटनी किसकी है? इंदौर मसाला। नहीं भरतू ने एक अजून एक चटनी टाकली होती ना, इंदौर मसाला, चाट मसाला, इंदौरी चाट मसाला, इंदौरी चाट मसाला, वो नेक्स्ट लेवल इसको टेस्ट दे रहा है। सही है। सेकेंडली जो ट्राई करने जा रहा हूँ वो है दही तड़का पोहे, मतलब ये जो नॉर्मल अपने पोहे होते हैं ना उसको पहले दही में डुबाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे देखो तर्री, ये तड़का तड़का सॉरी मिर्ची यानी तेला था तड़का। ये किसी किसी को पसंद आएगा, किसी किसी को नहीं, जिसको दही पसंद नहीं है इसको पसंद नहीं आएगा, बट जिसको दही पसंद है उसके लिए दिस डिश मेड फॉर हिम। भर भरून दही आणि पोहे।
ऐसी डिश मैंने जिंदगी में खाई नहीं कभी, फर्स्ट टाइम। नाइस एक्सपीरियंस। कुछ अलग है इसको थोड़ा सा। पूरा ही अलग है ना? पूरा ही अलग। गर्मा गर्म तेल गिरा है तो टेस्ट और अलग आएगा ना। ये दही लवर्स के लिए, बट दैट वो जो भेल वाला था ना पोहा, वो कोई भी ट्राई कर सकता है, बट ये दही लवर्स को बोल सकता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जो जगह के लिए मैं सबसे ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड था वो ये है, मन्ना डोसा। मतलब इसका पूरा नाम है अकोडी मन्ना डोसा मैजिक। इसके वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वगैरह देखे होंगे, बट यहाँ पे ना 125 वैरायटीज ऑफ डोसा मिलते। इट्स रियली यूनिक ना, 125 टाइप के डोसा। अरे आपने ऐसे सोचे भी नहीं होंगे, वो भी सारे डोसा मिल जाएंगे। हाँ, एक ऐसी एक जगह है विमान नगर में जहाँ पे आई थिंक 150 के ऊपर वैरायटीज है, बट 125 समथिंग यूनिक। और अकूडी वाले लोग डोसे के दीवाने जो है वो यह जगह तो कभी मिस नहीं करते हैं। बहुत गर्दी रहती है शाम के समय वगैरह, बट इसलिए मैंने क्या सोचा पता है क्या, सुबह आके कवर कर लेते, शांति में अपना काम निपट जाता है। भैया अपने पास कितने प्रकार के डोसे? 125 वैरायटी। कुछ बता सकते हो उसमें से कौन से कौन से? बहुत सभी हैं, अपना जो भी डोसा लगेगा। चॉकलेट भी है क्या? चॉकलेट डोसा, पनीर फ्रेंकी, चीज जिनी, जैमनी, अकुरडी मन्ना स्पेशल, सजवन चौपसी, मन्ना स्पेशल। अच्छा, मन्ना स्पेशल करके भी डोसा है। हाँ। और ये हमारा क्या, पनीर फ्रेंकी लगवा रहे हैं? फ्रेंकी। और आपके यहाँ पे किस पे, मतलब कोयले पे बनता है पूरा? पूरा पूरा डोसा कोयले पे। ओके। टाइमिंग? 9:30 से 10:30 तक। सुबह के 9:30 से रात को 10:30 तक। और इसमें क्या? भैया दुनिया बदल रही है, कुछ भी आता है आजकल यार। हमने आज दही पोहा खाया, उसके बाद ये पनीर फ्रेंकी डोसा, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। 2020 ने तो कुछ भी दिखाया। डोसा कम ज़्यादा ये लग रहा है, पिज्ज़ा। हाँ, पिज्ज़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके ऊपर यार स्प्रिंग ऑनियन की गार्निशिंग हुई है, उसके बाद पनीर तो बहुत डाला है, चीज़ डाला है, उसके बाद कैप्सिकम भी डाला है। अरे बाप रे। सबसे नीचे लेयर में ना शेजवान चटनी है। इट्स लुकिंग सुपर्ब और टेस्ट में भी सुपर्ब। देखो ना रेड रेड कलर क्या सही दिख रहा। सुबह से आज अभी तक की ये सबसे बेस्ट प्लेस। आई कैन इट 10 में से 10 10 में से 10 10 में से 10 वाली चीज है ना। कल्पक भाई बोल रहे थे जरा रुको भैया, जरा रुको, अच्छी चीज आएगी, टाइम लगेगा, बट ये अरे वाह एक नंबर। दुनिया में ऐसा कोई बंदा बना नहीं होगा जिसे मिठाई पसंद नहीं, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है, बट हाँ उसमें भी स्पेसिफिक वैरायटी होती है, स्पेसिफिक स्वीट होती है जो मेरे को पसंद है, और उसमें से एक है गुलाब जामुन। और अकूडी में एक जगह है दिल्ली स्वाद करके, यहाँ के गुलाब जामुन का जो स्वाद मैंने सुना है ना और दिखता है ना, अरे वाह वाह माशाल्लाह होता है। अब देखते हैं स्वाद में एग्जैक्टली कैसा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट सुना बहुत है, अभी ट्राई करते। गुलाब जामुन इतना गर्म था ना, एकदम फ्रेश, और ऐसा मुंह में जाने के बाद ना ऐसा घुल गया था, तो इसलिए मैंने ना इसकी 10/10 रेटिंग दी है। इसकी लोकेशन बताने जाऊँ तो वरलक्ष्मी अपार्टमेंट भेल चौक, एग्जैक्ट लोकेशन निगड़ी में पकड़ लो, नहीं एग्जैक्ट लोकेशन मैं तो बोलता हूँ यार, गूगल मैप में जाके आप सर्च करो दिल्ली स्वाद करके जगह है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी है, कोई टेंशन ही नहीं है ना अपने।
देखो हमने संजीवनी का वाला ये पोस्ट इसका ये है मेन्यू और तुम देख सकते हैं अंदर अंदर भाई देखो यार मतलब कितना सारा है मतलब अबे एक पेज दो पेज तीन पेज इतने सारा आइसक्रीम है। तो हमारे भैया ने सजेस्ट किया ये अफगान वाला अफगान कौन और ये संजीवनी सम स्पेशल इनका अफगान फॉरेस्ट है इसका पूरा नाम ओके अफगान फॉरेस्ट और संजीवनी स्पेशल तो लेट्स ट्राई भाई जो आइसक्रीम है नेचुरल पना चाहिए एक नेचुरल फ्लेवर चाहिए इसमें है मतलब अब मैं बोलूंगा गुलाब जामुन भी भूल जाओ भैया आइसक्रीम मिल गया अपने को भैया भाई मतलब एक नेचुरल फ्लेवर है और एक टेस्ट मतलब तुम इसमें देखो काजू वीजू देखो भर भर के काजू है ड्राई और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं देखो एकदम भर भर के मेरे हिसाब से किशमिश भी दिख रहा है और क्या बोलते हैं चेरीज भी है चेरीज पिस्ता सब सब है इसमें भी वैसा ही है बट इनका कुछ स्पेशल है क्योंकि इसलिए ये स्पेशल जाना जाता है ना क्योंकि हर एक ब्रांड को अपना स्पेशलिटी रखना जरूरी होता है भाई ये सब भर भर के है ना देखो तुम भी देख पा रहे होगे सब भर भर के है ना सब कुछ बहुत ही भर भर के ये पिस्ता विस्ता मैं बता रहा हूँ ये एक पूरा किसने खा लिया ना एक घंटा वो कोई कुछ नहीं खा सकता मैंने गलती से एक बार दो 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 ले लिया था ऐसे एक के बाद एक दो मतलब दो एक स्कूप रहते हैं ना दो स्कूप भाई खत्म आ गया क्योंकि 100 ml का होता है ना भैया एक स्कूप कितना है 100 ml का एक स्कूप है बोलते भैया सही क्या बोलते हैं मेरे हिसाब से मैं तो ये भी जगह को 10 on 10 मतलब आज अपने इतने से अलग अलग चीज़ ट्राई की है अरे पूरे यूनिक थे तुमने तो बहुत मतलब पोहे भी ट्राई किए थे वो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो यार जाते वक्त कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लाइक का बटन हिट कर दो और लास्टली ना बोलने चाहो तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना नोटिफिकेशन के लिए ऑल करके क्योंकि यार बताना चाहता हूँ आपको एडवांस में अगले वीडियोस ने यार फैबुलस आने वाले हो और थैंक यू सो मच कल्पक भाई कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया इतने जगह घुमाया कल्पक भाई की यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी मंडळ आभारी आहे चला तुम्हाला भेटतो मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये थोड्या दिवसांसाठी बाय बाय